सितारगंज के एक होटल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मंडल के सारे पदाधिकारियों के साथ और भी लोग मौजूद रहे, जिसमें लोगों को सही राह सही दिशा में चलने को कहा गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमेशा गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहता है। पिछले महीने ही ईद के त्यौहार पर जगह जगह पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से रक्तदान शिविर लगाए गए थे, जिसमें मुस्लिम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा रक्तदान किया था। जो पीछे कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने उसकी समीक्षा हुई और आगामी कार्यक्रम हमारा 22 सितंबर से लेकर के और 22 अक्टूबर तक राष्ट्र जागरण अभियान चले, उसकी योजना के लिए आज हम सब लोग बैठे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों को 3 विषयों के ऊपर काम करेंगे। कश्मीर में 370 और 35 से हटने से हिंदुस्तान और विश्व को क्या लाभ होगा। दूसरा विषय अयोध्या मामले में सबका विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय नबियों के तरफ बने, कहीं ना कहीं इस्लाम में भगवान राम को इमाम हिंद के रूप में माना जाता है, नबियों की श्रेणी में उनको रखा जाता है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने तय किया है कि हम लोग हर हाल में नबी के साथ खड़े होंगे और वहाँ पर हम लोग जो खड़े होंगे वो ना किसी के साथ खड़े होंगे ना किसी। यूपी के जहांगीराबाद नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन को जड़ से खत्म करने व जल को बचाने हेतु एक विशाल जागरूक रैली का आयोजन किया गया। नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर सूरज भान माहर ने आहार बाईपास से हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। वहीं शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य CP अग्रवाल ने भी हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। निकाली जा रही है, किस संबंध में निकाली जा रही है? चार चीज़ों के जागरूकता के लिए निकाली जा रही है। एक जल शक्ति है, वाटर लेवल लगातार नीचे जाता जा रहा है, इसके लिए भारत सरकार ने पहल की है कि वाटर लेवल नीचे ना जाए, उसके लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है कि वाटर जो ग्राउंड लेवल है उसको वेस्ट ना किया जाए। दूसरे स्वच्छता की रैली निकाली जा रही है जो लगातार चल रही है काफ़ी दिन से। और तीसरे पर्याप्त प्लास्टिक का बैन चल रहा है इस समय, भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक बैन कर रखा है सिंगल यूज प्लास्टिक, तो उसके लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है कि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन प्लास्टिक है उसका यूज़ ना करें। कब तक चलेगा ये अभियान? ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक कि प्लास्टिक पूरी तरह से बैन नहीं हो जाता, लोगों की दिनचर्या से निकल नहीं जाता। पॉलिथीन को जड़ से खत्म करने के लिए जल को कैसे बचा जाए, नगर पालिका परिषद द्वारा जागरूक रैली का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं विशाल रैली का आयोजन किया गया है, यही मकसद है पॉलिथीन को जड़ से खत्म करना, जल को कैसे बचा जाए, साफ सुथरा शहर कैसे बना जाए। कैमरामैन आदित्य गौतम के साथ सुल्तान अंसारी, के मंजू, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। गाजियाबाद NCR में लगातार साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, आए दिन साइबर क्राइम का शिकार बनने की खबरें सामने आती रहती हैं। इनमें सबसे अधिकतम इंटरनेट बैंकिंग और ATM फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, वही फोन बैंकिंग में भी लोगों को ठगा जा रहा है। इसी के चलते गाजियाबाद में स्पेशल साइबर सेल की शुरुआत की गई जो इन मामलों की जाँच और निगरानी करेगा। गाजियाबाद में घंटाघर कोतवाली में आज राज्य सरकार के मंत्री अतुल गर्ग पहुंचे और साइबर सेल का उद्घाटन किया। क्योंकि मेट्रो सिटीज़ हैं, ऐसे में साइबर क्राइम यहाँ ज़्यादा होता है और आज साइबर क्राइम थाना खोला गया है, क्या उसकी प्राथमिकता रहेंगी और किन किन चीज़ों को लोगों में रखा जाएगा? देखिए, जैसा कि आपने कहा, क्राइम का पैटर्न बदल रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं तो साइबर क्राइम भी उस हिसाब से बढ़ा और विशेषकर मेट्रो जो सिटीज़ हैं उनमें साइबर क्राइम ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। और हमारे पास क्योंकि संसाधन की कमी थी, हमारे पास प्रॉपर एक साइबर क्राइम सेल नहीं था, उसमें सिस्टम्स नहीं थे, तो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से अपने ज़िले के ये अनुरोध किया था कि उसमें थोड़ा सा हमारे पर आशीर्वाद करें और सहयोग करें। तो माननीय मंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने काइंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये हमारा पूरा जो साइबर सेल है उसे मॉडर्नाइज किया है, उसे उन्होंने आधुनिक रूप दिया है। साइबर कैंप का उद्घाटन किया गया है, क्या बताना चाहिए? देखिए, साइबर के बिना इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा मुश्किल है। अभी भी आप अगर देखें तो ज़्यादातर जो क्राइम है
वो टेलीफोन से ज़्यादा खुले हैं, लेकिन वो एक सीमित साधन के रूप में रह गया है। अब उससे भी बड़ी बातें होनी चाहिए, और टेलीफोन का जो संचार माध्यमों के कारण जो क्राइम हो रहे हैं या संचार माध्यमों के कारण जो क्राइम पकड़े जा सकते हैं, तो उसकी जो अच्छी पहल गाजियाबाद से हुई है, तो उसके लिए SSP साहब को, SP साहब को और यहाँ के सभी जितने भी हमारे प्रशासन के लोग हैं उनमें बधाई देता हूँ। और साथ ही एक तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत के अंदर मानव संसाधन के रूप में छात्र बहुत बड़ी मात्रा में, योग्य छात्रों का सहयोग लेना चाहिए। और ये जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं या छोटे बड़े कॉलेज हैं, इनके पास अपने संसाधन काफ़ी हैं, उसको भी शासन प्रशासन के कार्यों से जोड़ना चाहिए, तो उससे सरकार को बहुत मदद मिलेगी। और काइट कॉलेज के प्रबंधन ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि यदि कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए या उनको कुछ काम करने के लिए उनकी लेबोरेटरियाँ चाहिए या छात्रों का या अध्यापकों का सहयोग चाहिए, तो वो भी प्रशासन के साथ हमेशा उपलब्ध रहेगा। सर, जैसे आई टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, उसी की वजह से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा था, तो इसलिए साइबर क्राइम को बढ़ने के लिए साइबर क्राइम केवल टेक्नोलॉजी के कारण नहीं बढ़ा। तीन तलाक पर केंद्र सरकार द्वारा कठोर कानून बनने के बाद भी मुस्लिम समाज के लोग शरीयत के कानून को मान रहे हैं। बुलंदशहर के थाना खानपुर के गांव अमरपुर से एक मामला सामने आया है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर एक महिला को 3 तलाक दे दिया गया। पीड़िता ने SSP बुलंदशहर संतोष कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं SSP ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत खानपुर पुलिस को उचित एवं कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। का मुकदमा दर्ज हुआ है SSP के निर्देश के अनुसार, क्या मामला, किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? ये शना परवीन नाम की महिला है, जिसके पति का नाम अब्दुल रहमान है, और ये ग्राम अमरपुर थाना खानपुर की रहने वाली हैं। इनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है 20/9 को, जिसमें 3/4 मुस्लिम महिला विवाह व अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये कायम हुआ है और इसकी विवेचना की जा रही है। सर, कुछ ऐसा भी है कि पहले भी कुछ इसमें एफिडेविट के अनुसार फैसला हो चुका था, लड़का पक्ष का ये? हाँ, ये जानकारी में आया है कि इनके द्वारा एक 125 जो निर्वहन भत्ते का एक अभियोग होता है उसमें इनका प्रकरण चल रहा था, और इसके बताया गया कि कुछ कागजों पर इनके हस्ताक्षर वगैरह भी हैं, लेकिन ये सभी चीज विवेचना का विषय है कि वो हस्ताक्षर उनके हैं या फिर उनके हस्ताक्षर किसी और व्यक्ति द्वारा बनवाए गए हैं, इस पर विवेचना चल रही है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला आपका? यही मामला है, हम 4 दिन हो गए भागते भागते, ना कोई लेकर आ रहा ना कोई सुनवाई हो रही। किस मामले में आए हो थाने? थाने हम लड़की को तालाब के मामले में आए हैं, तालाब लड़की को दे गए। कहाँ करी थी आपने लड़की की शादी? अमरपुर में। अच्छा, क्या कहते थे लड़की से? लड़की को दहेज वो मांग देते, कार मांगते थे, मारते थे, पीटते थे रोज, घर को नहीं भेज देते थे हमारे बाहर पीट के, और कोई सुनिया नहीं हो रही। भागते भागते कई कई दिन हो गए हमें, ना कोई लेना आया, हमने हाथ पैर भी जोड़ लिए उनके, कोई सुनिया। तो आपने कोई मुकदमा दर्ज कराया? जी करवाया। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ भी नहीं हुई अभी तक। वहाँ भी आए हम खानपुर थाने में, वहाँ भी हम होगा क्या, घर आ गए नहीं ली कोई दब, मगर हम बहुत परेशान हैं इस टाइम। किस प्रकार की कार्रवाई हुई अभी? तलाक की, तलाक दे गए थे मेरे घर पर ससुर अपने बेटे को लेकर आए थे तलाक देने के लिए, कि तलाक दे दे। शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी हमारे में हुई थी 16 दिसंबर को हुई थी। मेरे पति और मेरे सास और ससुर और शब्बू जेठ और नंद, उन्हें मेरे दहेज मतलब पसंद नहीं था, कार की मांग करते थे, कार की मांग मतलब दहेज पूरा मांग पूरी नहीं होने पर मेरे घर पर छोड़ गए, मुझे मार पीट कर मेरे घर में रहने लगी। मैं सोच रही सुधर जाएंगे मेरे सास ससुर, मगर सुधरे ही नहीं। फिर मैं 13 तारीख को तारीख पर गई थी, 5 बजे मैं घर पर आई, सास ससुर मेरे पति को लेकर आए, बोले इसे तलाक दे दे। तलाक दे कर बोले अब तू जहाँ तक भी पहुँचना चाहती है पहुँच ले, जो भी तुझे करना है कर ले। अच्छा, आपने तहरीक कहाँ पर दी अभी तक? तहरीक मैंने SSP के पास दी थी तलाक की, बोले उन्होंने वो कर दिया था। अब कहाँ पर? खानपुर थाने में। आपको खानपुर थाने में मैं 3 बार गई, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। अरे मैं अब कप्तान की गई थी, अब कप्तान की मैं 4 दिन हो गए, अब कुछ नहीं हुआ जी। देवरिया शहर के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में फुटपाथ ठेला एवं पटरी व्यवसायियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया।
ये कार्य जिलाधिकारी देवरिया के निर्देश पर किया गया। इस कार्य की जिम्मेदारी KDS नामक एक संस्था के माध्यम से कराया गया। चल रहा है यहाँ पे, ये ऑनलाइन सर्वे चल रहा है KDS कंपनी के द्वारा, इसका ये आज अंतिम डेट था, इसलिए हमने सारे फुटपाथियों को एकत्रित कराकर यहाँ अपने देख रेख में ऑनलाइन सर्वे कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं अनुप कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष, जिला फुटपाथ ठेला पटरी व्यवसायी सेवा समिति देवरिया का। ये रजिस्ट्रेशन आज कहाँ हो रहा है? आज रजिस्ट्रेशन पटौलिया चौराहे पे हो रहा है, मेरे देख रेख में ये कैंप लगे हुए हैं। क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर भैया? आज ये हम फुटपाथ पटरी व्यवसायियों गरीब लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी के तहत हम रजिस्ट्रेशन कराने अपना यहाँ पे आए हुए हैं और रजिस्ट्रेशन हम लोग का चल रहा है और हम करा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी दुकान फूल की दुकान है। कहाँ पर है? जलकर जी। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास का बढ़िया व्यवस्था है और अच्छे तरीके से सब लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। क्या नाम है आपका? अजय पाल। देश में पहली बार आम आदमी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर का चालान कटवा दिया है। जी हाँ, गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 24 पर कोलंबिया एशिया अस्पताल के पास से सामने एक गाड़ी रोंग साइड से आ रही थी और इसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर फोर्थ मौजूद थे। गाड़ी सरकारी थी तो एक आदमी ने इस गाड़ी का फोटो लिया और ट्वीट कर दिया। अधिकारियों समेत नितिन गडकरी को भी ये फोटो ट्वीट किया गया। बस फिर क्या था, अधिकारी एक्शन मोड में आ गए और फोटो के आधार पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर फोर्थ का 2500 रुपये का चालान कर दिया। गाजियाबाद के सिटी SP ने इस पर कहा कि ये मामला एक उदाहरण पेश करता है कि ट्रैफिक नियम सबके लिए एक है। सर, एक गाजियाबाद में पुलिस कर्मी का चालान हुआ है, हमारे पास खबर यह है कि पे भी कर दिया गया है, क्या है पूरा मामला सर, किस तरीके से चालान हुआ? ये एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी थी जो कि रॉन्ग साइड जा रही थी, वहाँ पे जो कर्मी लगे हुए थे उनके द्वारा उस ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी का चालान किया गया और ये बहुत अच्छी बात है। रूल सभी के लिए, नियम सभी के लिए बराबर होते हैं और उस चालान को संबंधित जो उसमें ट्रैफिक के कर्मचारी थे उनके द्वारा भरा भी गया है। ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है पूरे जनपद के पुलिस के लिए कि नियम सबके लिए सामान्य है और जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसके लिए जो दंड है, जो प्रावधान है वो भी सामान्य है। सर, आखिर गाड़ी में था कौन, नाम क्या है? यहाँ के वो TI की गाड़ी है, TI फोर्थ है, उनकी गाड़ी है जिसका कि वो चालान किया गया। सर, ये भी जानकारी चाहेंगे, क्या ये पता चल पाया है कि जुर्माने की जो रकम है वो कितनी थी? और गाजियाबाद पुलिस ने ये एग्जाम्पल सेट किया है, काफ़ी चर्चा में है सर, नया मोटर व्हीकल एक्ट में जो चालान की दरें हैं, तो ये दो चीज़ें जानना चाहेंगे सर। 2500 रुपये जो चालान था वो उनके द्वारा भरा गया है और जैसा मैंने बताया सभी के लिए एक रूपता है, सामान्यता है और नियम सभी के लिए बराबर लागू होते हैं और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ये है कि डबल दी फाइन रहता है उसमें, तो उसके प्रावधान के अनुसार भुगतान किया गया। थैंक यू सर।